नवादा जिले के रजौरी थाना क्षेत्र के चितरकोली पंचायत स्थित समेतिक जांच चौकी पर बुधवार की सुबह लगभग 3 बजे 460 ट्रक से 2790 बोतल देसी शराब के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद निरीक्षक रामप्रीत कुमार ने बताया कि शराब को लेकर जांच समय की जांच चौकी पर 24 घंटे जांच होती है। गुप्त सूचना मिली कि 460 ट्रक से शराब की एक खेप बिहार प्रवेश करेगी। बुधवार की रात को जांच में रहे उत्पाद विभाग के SI अजय कुमार पासवान एवं पुलिस बल के साथ शेफ जवान ने 460 ट्रक संख्या UP 32AN 2659 की जांच की। ट्रक में तहखाना बनाकर भारी मात्रा में देसी शराब लेकर आई गई थी। तहखाने में 2790 बोतल देसी शराब बरामद की गई। नवादा से सनोज कुमार संगम की रिपोर्ट। इधर देख, क्या नाम आपका? अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? रविन्द्र टैगोर लिखते हैं। घर कहाँ? बिहार से। तुम्हारा बाबू? मैं सुरेश कुमार। पिताजी? प्रमोद प्रसाद। घर? मागड़ा। शराब कहाँ से लेके आ रहे थे? रामगढ़ से। ले जाना यहाँ कहाँ था? बिहार में। 17 नंबर। 17 नंबर क्या? 17 नंबर गांव है। कौन जिला थे? पड़ता जिला? नालंदा। थाना? तो नहीं पता। थाना लहरी था। लहरी था। किसके पास माल देना था आपको? उसका नाम है दिनेश सिंह। दिनेश, एक टिप माल ले जाने में कितना पैसा आप लोग के देता है? सर, हम लोग को देता 4,000। इसको देता है। गाड़ी मालिक का नाम? वो दिनेश महतो बताएंगे। अच्छा, दिनेश महतो। दिनेश सिंह। हाँ, दिनेश सिंह।